हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नो मेकअप मेकअप लुक। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये नो मेकअप मेकअप लुक होता क्या है। गाइस, नो मेकअप मेकअप लुक यानी हम लोग को इस तरह से मेकअप करना होगा जिसे देख के लगेगा नहीं कि हम लोग अपने फेस पे कोई मेकअप किए हैं। बहुत ही नेचुरल वाला लुक लगना चाहिए। एंड बेसिकली जहाँ पे हमें ज़्यादा करके फोकस करना होगा वो है हमारा स्किन। हमारा स्किन बहुत ही हेल्थी लुकिंग लगना चाहिए एंड ग्लोई लगना चाहिए। एंड जितना कम अमाउंट में हो सके उतना कम अमाउंट में मेकअप अप्लाई करना चाहिए। एंड उसके बाद जो मेकअप लुक क्रिएट होगा दैट्स व्हाट वी कॉल नो मेकअप मेकअप लुक। सो चलिए गाइज, अभी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं देन प्लीज़ मेरी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे और भी न्यू वीडियोस देखने के लिए। मैं और भी ढेर सारा न्यू वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना पड़ता है आप लोगों को पता ही होगा। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करना होगा एंड ठीक उसके बगल में जो छोटा सा नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए गाइस, नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले हमें अपने स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप कर लेना है। दैट मीन्स क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। मैं ऑलरेडी क्लेंजिंग एंड टोनिंग कर चुकी हूँ एंड आप लोग के सामने मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँगी। मैं यहाँ पे लैक्मे पेज मिल्क सॉफ्ट क्रीम यूज़ कर रही हूँ एज अ मॉइस्चराइजर क्योंकि ये मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज इट वर्क्स फॉर माई स्किन वेरी वेल। इसे मैं अपनी फेस एंड नेक पे अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी एंड देन 5 मिनट तक वेट करूँगी ताकि ये क्रीम मेरी स्किन पे अच्छे से पेनिट्रेट हो सके। आप लोग अपने पसंद का कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं जो आपके स्किन टाइप को सूट करता हो क्योंकि इस मेकअप लुक में हमें हमारी स्किन को हेल्दी दिखाना है। एंड गाइज, अभी आप लोग देख सकते हो दिस इज़ हाउ माई स्किन इज़ लुकिंग राइट नाउ। सो आप लोग अपने स्किन को जितना अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्किन ग्लो करेगा। अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का एलमंड लिप बाम। ये लिप बाम भी काफ़ी अच्छा है। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये कंसीलर एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड स्विस ब्यूटी और मेरा शेड है 02। इस कंसीलर को मैं अपने अंडर आइज़ एंड जहाँ जहाँ मुझे नीड है वहाँ पे अप्लाई करूँगी। बेसिकली हमारे फेस पे जो फ्लॉज है उसे हाइड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस कंसीलर। और मैं ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये परफेक्ट मेरी स्किन टोन को मैच करता है। आप लोग भी उसी टाइप का कंसीलर यूज़ कीजिए जो कि आपके स्किन टोन को मैच करता हो। यहाँ पर हाईलाइटिंग कंसीलर हमें अप्लाई नहीं करना है। अभी एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इस कंसीलर को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड इस कंसीलर को मैं थोड़ा सा अपने आईलिड्स पर भी अप्लाई की हूँ ताकि अगर हमारे आईलिड्स पर किसी भी तरीके का पिगमेंटेशन हो वो भी हाइड हो जाए। पर अगर आप लोग कंसीलर नहीं लगाना चाहते हैं या आपके फेस पर कोई डार्क सर्कल या पिगमेंटेशन जैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है देन आप लोग सिंपल बीबी क्रीम या सीसी क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइज, अभी आप लोग देख सकते हो मेरा मेकअप बेस। हमें यहाँ पे मेकअप बेस के लिए बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अभी मैं अपने मेकअप बेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर और मेरा शेड है पर्ल।
अभी मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी एंड उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल इन द शेड ब्राउन। हमें अपने आईब्रोज को एकदम लाइट हैंडेडली फिल करना चाहिए ताकि हम लोग का आईब्रोज दिखने में एकदम नेचुरल लगे। एंड गाइज, मैं आप लोगों से और एक बात कहना चाहती हूँ कि चाहे आप लोग अपने फेस पे मेकअप अप्लाई कर रहे हो या ना कर रहे हो, पर आईब्रोज को हमेशा फील किया कीजिए। इससे हम लोग का लुक इंस्टेंटली चेंज हो जाता है, हम लोग का लुक दिखने से और भी पॉलिश्ड लगता है। एंड गाइज, अभी आप लोग मेरे दोनों आईब्रोज में डिफरेंस देख सकते हैं। सेम तरीके से मैं अपने दूसरे आईब्रो को भी फिल कर लूँगी। आईब्रोज को फिल करने के बाद एक आईब्रो ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से ब्रश एंड कोम कर लूँगी। ऐसा करने से हम लोग के आईब्रोज में जो भी प्रोडक्ट्स है वो इवनली स्प्रेड हो जाएगा एंड हम लोग का आईब्रोज दिखने में और भी ज़्यादा नेचुरल लगेगा। अभी इसी कॉम्पैक्ट को मैं अपने आईब्रो एरिया पे भी अप्लाई कर लूँगी थोड़ा सा, ताकि मेरा आईब्रोज अच्छे से सेट हो जाए। नाउ यू गाइज कैन सी दैट माई आईब्रोज आर डन। ओके, इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी काजल एंड फॉर दैट मैं यहाँ पे स्टेक वर्की का बैडस काजल यूज़ कर रही हूँ। पर अगर आप लोगों को काजल लगाना पसंद नहीं है देन काजल आप लोग स्किप कर सकते हैं। मैं इस काजल को सिर्फ अपने आईज़ के वाटर लाइन में अप्लाई करूँगी। एंड गाइज, अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं देन आप लोग को पता होगा कि मुझे काजल लगाना कितना पसंद है। आई जस्ट लव टू वेयर काजल बिकॉज आई एम रियली अ काजल पर्सन। सो इसीलिए मैं यहाँ पे भी काजल को स्किप नहीं कर रही हूँ। पर अगर आप लोगों को काजल नहीं अच्छा लगता है देन आप लोग ईजिली काजल को स्किप कर सकते हैं एंड उसके बदले अगर आप लोग को लाइनर लगाना पसंद है देन आप लोग लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज़ हाउ माई आईज़ आर लुकिंग राइट नाउ। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का मेगा लेंथ मस्कारा। ये मस्कारा मुझे काफ़ी हद तक पसंद है एंड दैट्स वाई आई एम यूजिंग इट। मस्कारा लगाने से हम लोग का आईज़ बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, इसीलिए हम लोग को मस्कारा ऑलवेज लगाना चाहिए, स्पेशली इन दिस मेकअप लुक। एंड मस्कारा लगाने से हम लोग का आई लैशेज में एक डिफरेंस आ जाता है और लैशेज विजिबल हो जाता है। मैं यहाँ पे आई लैश कलर यूज़ नहीं की हूँ, पर अगर आप लोग चाहे देन आई लैश कलर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज, लोअर लैशेज पर भी हमें ज़रूर मस्कारा अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ये स्टेप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये स्टेप हमें मिस नहीं करना है। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का ओम्ब्रे ब्लशर। ये ब्लशर बहुत ज़्यादा ही लाइट है एंड इसमें ना ब्यूटीफुल सा शीन भी है जो कि दिखने में बहुत अच्छा लगता है। सो इस ब्लशर को मैं अपनी फिंगर से थोड़ा सा पिक करूँगी इस तरह से। सो फिंगर से इसे लेके पैट करते हुए इस तरह से मैं अपने आईलिड्स पर इसे प्लेस कर दूँगी एंड इससे हम लोग का एक नेचुरल वाला आई लुक क्रिएट हो जाएगा एंड इसमें जो शीन है सिर्फ वही विजिबल होगा। क्योंकि इस ब्लशर का कलर इतना ज़्यादा ही लाइट है कि कोई कलर नज़र ही नहीं आता है, सिर्फ इसमें जो शीन है वही समझ में आता है, इसीलिए मैंने यही ब्लशर को यूज़ किया है। एंड इसी को मैं एज अ ब्लशर भी अप्लाई कर रही हूँ। एंड एज बिकॉज इसमें हल्का सा शीन है इसीलिए मैं अलग से कोई भी हाइलाइटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये एज अ हाइलाइटर भी वर्क कर रहा है। एंड गाइज, आप लोग देखो ये कितना सुंदर सा ग्लो प्रोवाइड कर रहा है। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ मी नाउ जेनरेशन 2 का सुपर मैट लिप लाइनर इन द शेड 066।
ये एक बहुत ही सुंदर सा ब्राउनी न्यूड कलर है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सो इससे पहले मैं अपनी लिप्स को लाइन अप कर लूँगी एंड देन सेम इसी लिप लाइनर को एज अ लिपस्टिक भी अप्लाई करूँगी। आप लोग अपने पसंद का कोई भी न्यूड लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं, चाहे क्यों ना वो पीची न्यूड हो या पिंकी न्यूड हो या ब्राउनी न्यूड हो। इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर टू सेट एंड लॉक ऑल माई मेकअप। So guys, this is the final finished look. टुडेज वीडियो, आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आए देन इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे खत्म करती हूँ, मिलती हूँ बहुत जल्दी मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।